तो यहाँ पर ड्रोन फ्रेम बनाने के लिए मैंने यूज किया है एल्यूमिनियम का रेक्टेंगुलर पाइप। अभी यहाँ पर जो ड्रोन मैं बनाने वाला हूँ वो क्वाडकॉप्टर है, इसीलिए इस ड्रोन में लगेंगे चार आर्म्स। तो ऐसे चार एल्यूमिनियम के रेक्टेंगुलर ट्यूब्स हमें यूज करने हैं। इसके बाद दोस्तों इसमें ऐसा कुछ एक कट कर लेना है हमें। और यहाँ पर हमें करने हैं होल्स अकॉर्डिंग टू द BLDC मोटर विच वी आर यूजिंग। BLDC कौन सी है वो अभी हम आगे देखेंगे। तो BLDC की जो मोटर है उसके नीचे जो चार स्क्रूज हम लगा के फिट करते हैं, तो उस स्क्रू के अकॉर्डिंग हमने ये चार होल्स इस एल्यूमिनियम के पाइप पर कर रखे हैं। उसके बाद मोटर की बात करें तो BLDC मोटर हम चार यहाँ पर यूज कर रहे हैं, जो है फ्लाईकैट की 5010760 kV ब्रशलेस मोटर। इस पर एक वीडियो मैंने बनाया है कि ये टोटल थ्रस्ट कितना देती है ऑन 3S बैटरी। अब ये चार मोटर्स हमने यहाँ पर यूज किए हैं तो चार प्रॉपर भी हमें लगेंगे। मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ 14 inches 4.7 पिच, दो है क्लॉकवाइज और दो है एंटी क्लॉकवाइज। 14 इंची प्रोपेलर है दोस्तों ये। अगर आप चाहो तो आप कार्बन फाइबर प्रोपेलर्स भी यूज कर सकते हो, बट दोज आर क्वाइट कॉस्टली। उसके बाद बात करते हैं ESCs की। तो यहाँ पर मैं रेडी टू स्काई के चार 40 amps ESCs यूज कर रहा हूँ, जो 2S to 4S सपोर्टेबल है। इसके अंदर आपको एक BEC भी मिल जाती है, एंड दीज आर गुड। ड्रोन बनाते समय सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है दोस्तों पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, यानी PDB। तो यहाँ पर मैंने मैटिक सिस्टम्स का PDB यूज किया है, जिसके साथ हमें XT60 कनेक्टर मिल जाता है। ये थोड़ा अच्छे क्वालिटी का PDB है दोस्तों, ये 3S to 4S सपोर्टेबल है। नाउ हियर इज द कैच, ये जो ड्रोन है दोस्तों वो हम हवा में उड़ाने नहीं वाले हैं, ये मेरे पीठ पर रहेगा और मुझे आगे पुश करेगा। तो इसके अंदर मैं कोई फ्लाइट कंट्रोलर नहीं यूज कर रहा हूँ, मैं इसकी जो चारों मोटर्स हैं उन्हें कंट्रोल करने वाला हूँ इस रेडी टू स्काई सर्वो टेस्टर से। ये नॉब निकाल कर मैंने स्लाइडर स्विच लगाया है, और ये स्लाइडर स्विच मैंने कैसे बनाया है आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। सो फ्रेंड्स, इतनी सारी चीजें हमें इस प्रोजेक्ट के लिए लगने वाली है। ड्रोन की फ्रेम आप आपके अकॉर्डिंग कस्टमाइज भी बना सकते हो। तो मैंने 5mm प्लाईवुड का यूज करके चारों फ्रेम्स को कुछ इस टाइप से लगा दिया है, और ये क्वाडकॉप्टर की एक सॉलिड फ्रेम बन चुकी है। अभी फ्रेंड्स मैंने इन चारों ESCs को इस PDB से ज्वाइंट कर लिया है। इसमें टोटल 6 पॉइंट्स है, यानी 6 ESCs यहाँ पर हम ज्वाइंट कर सकते थे, लेकिन फिलहाल तो इस प्रोजेक्ट के लिए मुझे सिर्फ 4 ही ESCs की जरूरत थी, क्योंकि एक क्वाडकॉप्टर है। तो मैंने इन चारों ESCs को कुछ इस पैटर्न में इस PDB पर लगा दिया था, और साथ ही इसके साथ मिलने वाला जो बैटरी कनेक्टर है XT60 वो भी लगा दिया था। एक एक्स्ट्रा वायर मैंने इस PDB के आउटपुट पर कनेक्ट कर दी है। एक बार सारे ESCs अटैच होने के बाद इस PDB को मैंने नीचे वाले प्लाईवुड बेस पर लगा दिया था कुछ इस टाइप से। इन ESCs को भी मैं इन आर्म्स पर लगाने वाला हूं, और इन ESCs के जो चार BEC है उन्हें कट करके सिंगल BEC में कन्वर्ट करने वाला हूं, जिसे मैं आगे सर्वो टेस्टर को लगाऊंगा। हो गया दोस्तों, ESCs को मैंने इन एल्यूमिनियम के पाइप के इस साइड पर जिप टाई से कनेक्ट कर दिया था, और उसका जो हीट सिंक था उसे मैंने रखा था एल्यूमिनियम फेसिंग, ताकि जितनी भी हीट होगी वह एल्यूमिनियम के रॉड पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। यहाँ पर मैंने जो आर्डुइनो बोर्ड यूज किया है दोस्तों, इसे 5 वोल्ट का पावर सप्लाई इस PDB से ही जा रहा है, और ये जो IC आप देख रहे हो ये एक स्विचिंग IC है, जिसका यूज करके मैंने इसके अंदर एक ऐसा प्रोग्राम डाला है ताकि वो जो लाइट है वो एक पैटर्न में ऑन एंड ऑफ हो, जो बिल्कुल एक प्लेन के बीकन लाइट जैसा लगे। और इस लाइट को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर मैंने लिथियम आयन का सेल यूज किया है, जो उस लाइट को एक सेपरेट पावर सप्लाई देगा। यहाँ पर जो स्विच आप देख रहे हो वो इस पूरे सिस्टम को ऑपरेट करता है, यानी ऑन एंड ऑफ करता है। तो जब मैं चाहूँ तब इसे ऑन कर सकता हूँ, जब नहीं चाहूँ तब ऑफ कर सकता हूँ। यहाँ पर जो XT60 कनेक्टर मैंने लगाया है, उसे लगाने के बाद मैंने सोचा कि मैं बैटरी की वायर तो साइड से निकालूंगा, ऊपर से निकाल ही नहीं सकता क्योंकि ऊपर और एक प्लाईवुड की प्लेट आ जाएगी। तो इसके लिए मैंने यहाँ से दो वायर्स एक्सटेंड कर ली है, जो सीधा बैटरी के पॉजिटिव एंड नेगेटिव को जाएंगे। ये जो सेंटर स्क्रू आप देख रहे हो ये यूज होगा इसके ऊपर लगाए जाने वाले प्लाईवुड माउंट के लिए, ये कुछ इस टाइप से लगेगा। अब यहाँ पर आर्डुइनो का आउटपुट है, तो यहाँ से मैं इसे प्रोग्राम भी कर सकता हूँ, और ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव वायर्स भी बाहर आ चुके हैं। मैंने स्क्रू की हेल्प से पूरे असेंबली को फिट कर दिया है एक साथ, एंड एवरीथिंग इज लुकिंग परफेक्ट। अभी बारी आती है इन BLDC मोटर्स को इन एल्यूमिनियम के आर्म पर फिट करने की। अभी इसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशंस मुझे करने पड़े, जैसे ये जो फ्रेम थी उसे मैं पीठ पर लगाने के लिए एक ऐसा मैकेनिज्म बनाने वाला था जिससे इजीली मैं बेल्ट के जरिए इसे लगा पाऊं। तो उसे लगाने के लिए मैंने वहां पर चार हुक्स लगाए थे मेटल के,
और उन हुक्स को मैंने बेल्ट्स लगाए थे जिन बेल्ट्स में मैंने बकल्स डाले थे जिसे मैं इजीली खुद पर माउंट कर सकूं। ये पूरा एक कस्टमाइज ड्रोन है दोस्तों और इसका कोई एक पर्टिकुलर टेम्पलेट नहीं है, तो इसके कुछ टेस्टिंग फुटेज आप देख लो। ये काफी दोस्तों एक ब्रीफ वीडियो मैंने बनाया है, अगर आपको इसका कुछ भी डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों सबसे पहले मैंने इस ड्रोन बैकपैक को स्केटबोर्ड के ऊपर ट्राई किया था, लेकिन बाद में पता चला कि स्केटबोर्ड के व्हील्स छोटे होने की वजह से इतना स्पीड नहीं मिल रहा था। So we decided to test it on a bicycle and the results were shocking. एक अच्छा खासा करीब 5 किलो का थ्रस्ट यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा था, सो लगभग 85 kgs को भी आराम से पुश कर पा रहा था। अगर एफिशिएंसी की बात करूँ तो ये उतना एफिशिएंट नहीं है जितना एक इलेक्ट्रिक बाइक है, बट इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए काफी मेहनत भी लगी है दोस्तों, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और वीडियो को एक लाइक भी कर देना। और आपके क्या थॉट्स है इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, इस प्रोजेक्ट को लेकर, वो भी कमेंट में मुझे सुनने के लिए बहुत अच्छे लगेंगे।